दोस्तों, क्या आपने आईटीआई कंप्लीट कर ली है? आईटीआई करने के बाद आप अप्रेंटिसशिप व डिप्लोमा में समझ नहीं पा रहे हैं कि हमको क्या करना चाहिए, कि आईटीआई के बाद अप्रेंटिसशिप करना चाहिए अथवा डिप्लोमा करना चाहिए, क्या बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दूंगा कि आखिर आईटीआई करने के बाद आपको अप्रेंटिसशिप करना चाहिए या डिप्लोमा करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं दीपांशु वाजपेयी और आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल गाइडलाइन हब में। तो दोस्तों, जहाँ तक बात करें आईटीआई करने के बाद में बहुत सारे स्टूडेंट या प्रशिक्षणार्थियों के मन में दुविधा होती है कि मुझे आगे की पढ़ाई करनी है या नहीं करनी है, या आईटीआई करने के बाद मुझे क्या करना है। तो जहाँ तक बात करें दोस्तों अप्रेंटिसशिप की, तो अगर आप आईटीआई बेस पर टेक्नीशियन की जॉब पाना चाहते हैं तब तो आपके लिए अप्रेंटिसशिप एक बेहतरीन मौका हो सकता है, क्योंकि दोस्तों अप्रेंटिसशिप के दौरान आपको टेक्निकल की जानकारी पूरी अच्छी तरीके से प्रैक्टिकली व थ्योरिकली दोनों तरीके से आपको दी जाती है। यानी वहाँ पर आप अपने ट्रेड के सिलेबस को आप अच्छी तरीके से कवर कर पाएंगे, और प्राइवेट सेक्टर में या फिर सरकारी क्षेत्र में भाभा, DRDO, ISRO आदि जो गवर्नमेंट सेक्टर की, सेंट्रल गवर्नमेंट की या फिर स्टेट गवर्नमेंट की जॉब निकलती हैं, उसका सिलेबस पूरा कंप्लीट करने के बाद आप आसानी से वहाँ जा पा सकते हैं, क्योंकि आईटीआई में तो इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती है। ये तो आपको ही पता है और मुझे ही पता है। आईटीआई करने के बाद में जब आप अप्रेंटिसशिप मिलेंगे, वो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग हो या फिर प्राइवेट सेक्टर की, तो वहाँ पे आपको प्रैक्टिकली नॉलेज अच्छा खासा मिल जाता है। तो ये तो एक फ़ायदा बहुत ही बेहतरीन है कि आईटीआई करने के बाद आपको टेक्निकल नॉलेज मिल जाएगा अगर आप टेक्नीशियन बनना चाहते हैं गवर्नमेंट या सरकारी सेक्टर में। दूसरा जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अगर आपकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि आप डिप्लोमा करें, तो अप्रेंटिसशिप आप कर सकते हैं। कि अप्रेंटिसशिप के दौरान आपको स्टाइपेंड मिलता है, जो वो इतना स्टाइपेंड मिल जाता है कि आप आराम से अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं, वह आप अप्रेंटिसशिप भी कर सकते हैं और अपना खर्चा भी निकाल सकते हैं। अप्रेंटिसशिप भी अच्छी ट्रेनिंग है। जहाँ तक बात करें दोस्तों अप्रेंटिसशिप की, तो अप्रेंटिसशिप सरकारी जॉब के लिए अनिवार्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप अप्रेंटिसशिप नहीं करेंगे तो आईटीआई बेस पे जो जहाँ जॉब निकलती हैं वहाँ पे आप जॉब पाएंगे नहीं या आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आईटीआई की अप्रेंटिसशिप करें या न करें, अगर गवर्नमेंट सेक्टर की, स्टेट गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की कहीं भी वैकेंसी आती है तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं, बशर्ते आपकी ट्रेड NCVT होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे संस्थान भी हैं जो SCVT को भी आगे बढ़ाते हैं, लेकिन NCVT ट्रेड की वरीयता ज़्यादा होती है अपेक्षाकृत SCVT की। अप्रेंटिसशिप आप करें या ना करें। दोस्तों, बात करते हैं डिप्लोमा की। तो डिप्लोमा अगर आप आईटीआई बेस पर टेक्नीशियन की जॉब नहीं करना चाहते हैं, आप अच्छी जॉब करना चाहते हैं, आप JEE की जॉब करना चाहते हैं, तो आपको डिप्लोमा करना चाहिए। डिप्लोमा करने के बाद में आप PWD विभाग में, स्टेट गवर्नमेंट के या फिर SSC JEE, बहुत सारी ऐसी वैकेंसी आती हैं, उसमें आप JEE के पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। दूसरा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण फायदा है, महत्वपूर्ण इसलिए बोल रहा हूँ कि ये ही सबसे अच्छा फायदा है, वो यह है कि आईटीआई के बाद जब डिप्लोमा करेंगे आप, तो अगर आईटीआई बेस की कहीं भी जॉब निकल रही है तो आप उसमें फॉर्म डाल सकते हैं, अगर डिप्लोमा बेस की वैकेंसी निकल रही है तो आप इसमें उसमें भी डाल सकते हैं। यानी आप दोनों प्रकार की जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं, चाहे वो सेक्टर प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर को। गवर्नमेंट का ज़्यादा फोकस किया जाता है क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर की ज़्यादा डिमांड है। जाहिर सी बात है कि आप सभी लोग गवर्नमेंट जॉब ही करना चाहेंगे। अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं तो सबसे पहले देखना चाहिए कि आपकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब तो नहीं है, क्योंकि डिप्लोमा करने में आपको लगभग 50-60 हज़ार रुपये का आपका खर्चा आ जाएगा। उसमें से आपको इनकम तो कोई होगी नहीं, केवल खर्चा आपका होगा। लेकिन इसमें अगर आप आईटीआई करने के बाद में पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं तो आपको डिप्लोमा ही करना चाहिए अप्रेंटिसशिप की अपेक्षा। तो दोस्तों, अगर आपकी घर की स्थिति ठीक ठाक है तो आप आईटीआई करने के बाद तुरंत ही डिप्लोमा के लिए आवेदन कीजिएगा और डिप्लोमा कीजिएगा, यह सबसे बेहतरीन विकल्प हो सकता है आपके लिए। चौथा दोस्तों यह है कि अगर आपकी गणित व विज्ञान, साइंस व मैथ आपका अच्छा है, एवरेज स्टूडेंट हैं, साइंस मैथ में आप अच्छे स्टूडेंट हैं, तब आपको डिप्लोमा कर लेना चाहिए, क्योंकि डिप्लोमा में साइंस व मैथ की ज़्यादा वैल्यू होती है। अगर आपका ये दोनों सब्जेक्ट अच्छे हैं तो आप डिप्लोमा कर लीजिएगा, और डिप्लोमा करने के बाद में जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि आपको जॉब के अच्छे खासे मौके मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ये तो था वीडियो कि आपको आईटीआई करने के बाद अप्रेंटिसशिप करनी चाहिए या डिप्लोमा करना चाहिए। आपको स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट टू पॉइंट हमने सब बता दिया आपको। आप जिस डिसाइड आपको करना है कि मुझे क्या करना चाहिए,
आपके लिए अप्रेंटिसशिप अच्छी है या फिर डिप्लोमा अच्छा है। अगर आपको लग रहा है कि हमारे लिए अप्रेंटिसशिप अच्छी है तो आप अप्रेंटिसशिप कीजिएगा, अगर आप डिप्लोमा की तरफ जाना चाहते हैं तो आप डिप्लोमा आराम से कीजिएगा। वैसे अगर गाइडलाइन हब की तरफ से मैं दीपांशु वाजपेयी आपको विशेष राय दूँ तो आप आईटीआई करने के बाद अप्रेंटिसशिप की जगह पे डिप्लोमा करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो, जाहिर है कि आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटे वाली बटन दबा करके हमको सपोर्ट जरूर कीजिएगा। नमस्कार।